लाखा बंजारा नायक समाज सेवा संस्थान द्वारा विधायक निवास कॉमन हॉल लखनऊ में तहरी भोज का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में दिनेश शर्मा, पूर्व उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, विशिष्ट अतिथि श्री अनूप प्रधान, राजस्व राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश श्री लालजी निर्मल, अध्यक्ष अनुसूचित जाति जनजाति वित्त विकास निगम उत्तर प्रदेश ओम प्रकाश नायक, सदस्य अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग उत्तर प्रदेश, महापौर श्रीमती संयुक्ता भाटिया नगर निगम लखनऊ श्री रामचंद्र कनौजिया, अध्यक्ष अनुसूचित जाति मोर्चा भाजपा उत्तर प्रदेश आदि ने संबोधित करते हुए कहा कि नायक समाज की सरकार में भागीदारी दिलाने के लिए हम सभी संकल्पित हैं। देश आज़ादी से लेकर आज तक किसी भी सरकार ने कोई भी भागीदारी बंजारा समाज को नहीं दी है और हम जल्द से जल्द माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर नायक समाज की राजनीतिक भागीदारी दिलाने की मांग रखेंगे। तहरी भोज के शुभ अवसर पर संस्थान के अध्यक्ष राजू सिंह नायक व प्रभारी कमलेश प्रजापति ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अति पिछड़े समाज को सम्मान बढ़ाने के लिए बंजारा नायक समाज को सरकार में कोई ना कोई पद जरूर देगी, जिससे बंजारा नायक समाज का गौरव प्राप्त होगा। चूँकि बंजारा नायक समाज भारतीय जनता पार्टी समर्पित संगठन है, इस अवसर पर महिला मोर्चा की अध्यक्षा श्रीमती पूनम बहन ने कहा कि हमारे तहरी भोज में शामिल सभी अतिथिगण संस्थान व समाज सरकार में भागीदारी दिलाने का काम करेंगे, मैं ऐसा आशा और विश्वास करती हूँ। धन्यवाद देना चाहूँगी, धन्यवाद ये समाज का कार्यक्रम के साथ साथ सभी समाज के लोग इसमें उपस्थित होते हैं। आपके बंजारा समाज के लोग तो यहाँ पर उपस्थित हैं भी हैं ही, लेकिन अन्य समाज के लोग भी यहाँ पर उपस्थित होते हैं और समस्ता का कार्यक्रम ही सभी को एक साथ जोड़ने का कार्यक्रम होता है और सभी लोग एक साथ जुड़कर एक साथ भोजन करें। हमारा भारत देश त्योहारों का देश कहलाता है और त्योहारों के देश इसीलिए कहलाता है कि हम हर त्यौहार आपस में मिलजुल कर मनाते हैं और ये समरसता भोज भी भारतीय संस्कृति का एक अंग है जो है उत्तर प्रदेश में समाज के हित में कार्य करती है गरीबों के, और आज से नहीं सन 2002 से चल रही है संस्था और अभी तक काफ़ी संघर्ष किया है संस्था में, जितने भी पदाधिकारी हुए प्रदेश मंडल के बाद सभी लोगों का सहयोग है और हर साल हम लोग एक तहरी भोज का प्रोग्राम रखते हैं हर साल। तो हमारा ये निवेदन है कि हमारे उत्तर प्रदेश में जो बंजारा नायक समाज है 1 करोड़ आबादी है, 80 लाख की लगभग बैठक है, तो हमारा निवेदन है सरकार से, माननीय भारत सरकार से और केंद्र सरकार से कि हमारे उत्तर प्रदेश में बंजारा नायक समाज में अभी ना विभाग है, ना कोई सांसद है, ना कोई विधायक है। तो हमारा कहने का मतलब ये जो हमारी संस्था संघर्ष कर रही है, इस संस्था के लिए कुछ ऐसे काम करें जिससे समाज का कुछ भला हो, हमारी समाज का, बंजारा नायक समाज का और जो इसमें जुड़े हुए हैं उनका भी भला। नायक समाज उत्तर प्रदेश के इसका कुछ संस्था के माध्यम से कुछ ऐसा पद लागू कर दे जो हमारी समाज का रूपरेखा बने, उसमें हमारी समाज भी गौरव करे। और आज से नहीं 2002 से चल रही है और 14 से फुल समर्थन बीजेपी को दे रही है, 101% वोट बीजेपी में जाता है। अभी हमने जो प्रचार किया था विधायक, उसमें विधानसभा चुनाव में हमने कम से कम 17-18 विधायक निकाले। चैनल देशपद न्यूज़ को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब लाइक और शेयर जरूर करें।